नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोनी टूट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक पल भी आपसे दूर नहीं रह पाएगा आपका प्यार। एक चम्मच नमक यहाँ पर गिरा दो। अगर एक चम्मच नमक यहाँ पर गिरा देते हैं तो एक पल भी आपका प्यार आपके बिना नहीं रह पाएगा। आज मैं एक नमक के द्वारा बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली चमत्कारी वशीकरण टोटके बताने जा रहा हूँ। ये टोटके को अगर आप कर लेते हैं तो मात्र एक चम्मच के द्वारा आप किसी भी प्यार को अपने से बिछड़ने नहीं देंगे। आपका प्यार बिछड़ नहीं सकता है। खोया हुआ प्यार पल भर में आपको वापस मिलेगी और खोया हुआ प्यार को आजीवन के लिए आप उसे अपने मुट्ठी में करके रख सकते हैं। आप उसे अपने कदमों में गिरा सकते हैं। ये एक चम्मच नमक के द्वारा आप बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। आखिर एक चम्मच नमक को कहाँ पर गिराना है और किस जगह पर गिराना, किस समय में गिराना है ताकि वो प्यार जो है आपको छोड़ करके नहीं जाए और आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाए। तो आज मैं पूरी तरह से विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दे रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माँ कामाख्या जरूर लिखिएगा ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि नमक के अंदर में नकारात्मक शक्ति को सोखने की उसके अंदर में कैपेसिटी होती है। नकारात्मक शक्ति को हटाने का कैपेसिटी होती है। नमक के द्वारा आप किसी भी तरह का आपके ऊपर में कोई नजर टोक अगर लग चुका है तो उस नमक को आप मुट्ठी में लेकर के 7 बार उतार करके अगर आप आग में डाल देते हैं तो तुरंत आपका नजर जो है दोष से छुटकारा आपको मिल जाती है। नमक से तरह तरह का बीमारी का भी आप जो है उसका निदान पा सकते हैं। नमक के टोटके के द्वारा बहुत सा टोटके ऐसे की जाती है जिसके चलते शरीर के अंदर में आपका कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा की बास हो, वो भी खत्म हो जाती है। तंत्र विद्या में ये पूरी तरह से इसकी वर्णन है। इसीलिए आज मैं नमक के द्वारा वशीकरण करने का बहुत ही असरदार टोटके बताने जा रहा हूं। एक चम्मच नमक आप यहां पर गिरा देते हैं तो निश्चित तौर से जिसका नाम लेकर गिरा दीजिएगा वो जो है आपका प्यार में, आपके मोहब्बत में वो दीवाना बन जाएगा। आपके बिना वो नहीं रह पाएगा। आखिर इसको कैसे करना है, इसकी विधि और तरीका क्या है, मैं पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों, आपको इस क्रिया को करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन में इस टोटके को करना है। बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली टोटके है और बहुत ही आसान टोटके है। करना ये है आपको शुक्रवार के दिन में रात में जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो आप एक कागज लीजिएगा, कोरा कागज, सफेद कोरा कागज, और उस कोरे कागज में जो है आप एक चम्मच नमक डाल दीजिएगा और नमक डाल करके आप अपने बेड में जब भी सोने के लिए जाते हैं उस समय में आपको जिस प्यार को आपको पाना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, खोया हुआ प्यार को पाना चाहते हैं, उसका नाम 7 बार लेकर के उस नमक के तरफ आपको फूंक लगा देना है और उस कागज में मोड़ करके आप अपने सिर के नीचे रख करके आपको सो जाना है। और सुबह सुबह जब भी आप बाथरूम में जाते हैं तो उसी समय क्या करना है, उस नमक को खोल करके उस प्यार का 7 बार नाम लेकर के आपको बाथरूम में आपको डाल देना है और डाल करके आपको फ्लश को चला देना है या पानी डाल देना है। बस इतना काम अगर आप कर देते हैं तो निश्चित तौर से वो मोहब्बत उसके अंदर फिर से जाग जाएगी, वो आपका प्यार में तुरंत वापस आ जाएगी। ये क्रिया जो है करने से ही आपको 24 घंटा के अंदर में ये आपको फायदा देखने को मिलेगी और 24 घंटा के अंदर में आप खोया हुआ प्यार को वापस पा सकते हैं। अगर ये काम अगर एक दिन में ना हो तो आप कम से कम इस क्रिया को आपको 3 दिन बहुत जरूरी है 3 दिन कर दीजिएगा और चौथे दिन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना क्रिया करने ही आपको सफलता मिलेगी, खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा और आपका प्यार आपके बिना नहीं रह पाएगा। ये इस उपाय को जरूर अजमाए, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।